हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन, इट्स मी हैप्पी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी टाइम हो चुका है 11:30 और ये व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तुम्हारे भाई को जाना है घूमने के लिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से मैं कहीं भी घूमने नहीं जा रहा था, बट अब ऑलमोस्ट लॉकडाउन सारा खुलने वाला है तो तुम्हारे भाई ने एक छोटा प्लान ट्रिप करा है, छोटा सा ट्रिप प्लान किया है तुम्हारे भाई ने, जिसमें तुम्हारा भाई जाके देखेगा सनराइज। बिकॉज यार देखो, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा मेरे को लेके जाते थे घुमाने के लिए पहाड़ की साइड, बट मेरा ज्यादातर टाइम सोने में ही निकल जाता था तो मैं सनराइज मिस कर देता था। इस वजह से अब तुम्हारा भाई सनराइज को इंजॉय करने जा रहा है कल सुबह, तो अभी हमें सुबह की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुबह के लिए। हैप्पी, वो टाइम हो रहा है, उठ जा हैप्पी, जल्दी उठ जा यार, टाइम हो रहा है, फिर सनराइज नहीं देख पाएंगे। टाइम क्या हो गया, लेट हो चुके हैं और अभी यार हम लोगों को जल्दी जल्दी फटफट उस जगह पे जाना है, वो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ जाने वाले हैं, हमें उस जगह पे जाना है और वहाँ पे जाके सनराइज अटेंड करना है। सनराइज मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो अभी हम लोगों को निकलना चाहिए। शीरो भी बाहर घूम रहा है, शीरो को मैं पकड़ के लेके आता हूँ। इतने क्षितिज भैया तुम तैयार हो जाओ फटफट। तो शीरो कहाँ चला गया है, शीरो ये बैठा है भैया, शीरो शीरो चलो अंदर, शीरो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर चलो, आओ चलो चलो चलो, आओ आओ चलो चलो अंदर आओ, चलो भाई शीरो आ गया है अंदर। अब मैं फटफट, मैं एक काम करता हूँ, फटफट स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, निकालता हूँ स्कूटी बाहर और फिर चलते हैं। क्या करना है, उस साइड जाके हमें कैमरा लगाना है और फिर यहाँ का हमें पूरा शूट लेना है, यहाँ से सनराइज होते हुए देखना है। और ये भाई रात में भी बारिश वगैरह पड़ी होगी तो ये पानी वानी काफ़ी गंदा सा आ रहा है, वैसे पानी बहुत ज़्यादा साफ आता है। और दूसरी बात यह है कि अब तक के व्लॉग्स में आई थिंक ये सबसे सेक्सी व्लॉग होने वाला है मेरा, और जो मेरा अभी मेरा हो रहा है केदारनाथ का प्लान हो रहा है केदारनाथ जाने का, तो हो सकता है केदारनाथ का भी तुम्हारे भाई एक व्लॉग लेके आए जिसमें खूब अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करूँगा मैं, जैसे एक गोप्रो और भी बहुत कुछ है मेरे पास। तो अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट सेक्शन में बता देना ये व्लॉग कैसा लगा है। तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपना कैमरा लगा देते हैं और फिर शूट कर लेते हैं।
वेदर ने कर दिया हमारे साथ बहुत जिंदा वाला प्रैंक। हम सनराइज देखने घर से आए थे यहाँ पे, और यार ये मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। एक भैया ने बताया कि मतलब 16 तारीख तक मौसम बिल्कुल सेम रहने वाला है, और 16 तारीख तक मौसम ख़राब ही बताया है। तो यार अभी तो ये बहुत गंदा सीन हो गया है मेरे साथ। बट हाँ यार, इस ब्लॉग के जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और आई होप तुम लोगों को पसंद आएंगे। तो तुम लोग बिहाइंड द सीन इंजॉय कर लो। हमने अपना कैमरा तो लगा दिया है शूट के लिए, आई मीन सनराइज के शूट के लिए, और यहाँ बैठ के हम लोग थोड़ी देर भीख मांग रहे हैं। क्षितिज भाई आवाज लगाने एक भीख की। तो बाबा ये भीख मांग रहे हैं। देखो मेरे पास पड़े हैं थोड़े से पैसे, ना सुबह से बिकी है एक लौकी ना बिकाया आधा कांदा। गाइस हमारे भैया को इस टाइम भीख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्हें हम भीख में अपनी स्कूटी की चाबी देते हैं। भैया लीजिए। भैया आपको स्कूटी की चाबी मिल गई, आपको कैसा लग रहा है बताइए ज़रा। आपको भीख में स्कूटी की चाबी मिली है, कैसा फील कर रहे हैं आप इस टाइम? फील ऐसा कर रहा हूँ, लंबी चाबी आती है और बोतली की चाबी आती थी, ये सो गाइज वो हमारा फ़ोन लगा हुआ है और ये चाय और फ़ैन का मज़ा लेते हुए। बट यहाँ के फ़ैन थोड़े, अबे फ़ैन कहाँ चला गया ये? बट यहाँ के फ़ैन जो है वो शस्त्र की तरह हैं। जैसे पहले महाभारत में बड़े बड़े खंजर होते थे, उस टाइप के यहाँ के फ़ैन हैं। एक फ़ैन को हमें हाफ ऑफ करके खाना पड़ रहा है, एक अकेला फ़ैन भाई कोई नहीं निपटा सकता यहाँ का। मतलब फैन देख के मेरा मन कर रहा था कि मैं इनसे युद्ध कर लूं, अभी क्षितिज भाई के पेट में मार दूं, खून निकाल दूं, फाड़ दूं पेट। फैन वो पूरा अस्त्र बना पड़ा है। तो ये बिहाइंड द सीन में लेंगे हम। का तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि अभी तुम्हारे भाई का शायद केदारनाथ जाने का प्लान हो रहा है, तुम्हें पहले ही बताया था, तो उसका ही ब्लॉग जल्दी आ सकता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट सेक्शन में बता देना इस ब्लॉग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।